हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रोशन सिंह। वेलकम टू कराप्टी चैनल। फर्स्ट क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे। भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ? ऑप्शन ए 647 ईस्वी, बी 1013 ईस्वी, सी 712 ईस्वी, डी 1192। ऑप्शन सी 712 ईस्वी। जब सातवीं शताब्दी चल रही थी तो उसी समय अरबों के द्वारा यह आक्रमण भारत पर किया गया था। 712 ईस्वी में मुहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में यह आक्रमण भारत पर किया गया था। जब यह आक्रमण भारत पे हुआ तो उसी समय भारत पर पूरी तरह से मुहम्मद बिन कासिम का अधिकार हो गया। उससे पहले भारत के जो शासक थे उनका नाम दाहिर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई? ऑप्शन ए 713 ईस्वी, बी 716, सी 712, डी 719। ऑप्शन सी 712 ईस्वी। मुहम्मद बिन कासिम जो थे वो अरब वासी थे और अरब वासियों का मुख्य उद्देश्य था कि सिंध को लूटना और अपने इस्लाम का प्रचार प्रसार करना था। मुहम्मद बिन कासिम जो थे वो अरब वासी थे और अरब वासियों का मुख्य उद्देश्य था कि भारत या सिंध को लूटना और अपने इस्लाम का प्रचार प्रसार करना। मुहम्मद बिन कासिम का यही उद्देश्य था और जो अरब वासी थे वो भारत में ही आकर के शिक्षा प्राप्त किए थे। दर्शन शास्त्र, नक्षत्र विज्ञान, विज्ञान, चिकित्सा और गणित जैसी किसी का अध्ययन वो सिंध में ही किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी महमूद गजनी, सी मुहम्मद बिन कासिम, डी मुहम्मद गोरी। ऑप्शन सी मुहम्मद बिन कासिम। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी मुहम्मद बिन कासिम थे जो बर्बरतापूर्ण आक्रमण करके भारत को पूरी तरह बंदी बना लिए और पूरी तरह से मुहम्मद बिन कासिम का अधिकार सिंध पे हो गया था और भारत पे पूरी तरह से विजय प्राप्त किए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुहम्मद बिन कासिम कौन था? ऑप्शन ए तुर्क, बी मंगोल, सी अरब, डी तुर्क अफगान। ऑप्शन सी अरब। मुहम्मद बिन कासिम जो था वो बहुत बड़ा मुस्लिम चोर था जो अरब से आया हुआ था। वो पहले मिस्र, सीरिया, स्पेन, उत्तरी अफ्रीका, ईरान जैसे देशों को लूटने के बाद उनका नजर भारत की ओर पड़ा। उसके बाद भारत को 712 ईस्वी में लूटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया गया था? ऑप्शन ए यूनानियों ने, बी रोम वासियों ने, सी चीनियों ने, डी अरब वासी ने। ऑप्शन डी अरब वासी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 570 ईस्वी, बी 622 ईस्वी, सी 642 ईस्वी, डी 670 ईस्वी। ऑप्शन ए 570 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मक्का कहाँ है? ऑप्शन ए सीरिया, बी ईरान, सी इराक, डी सऊदी। ऑप्शन डी सऊदी अरब। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन चंडेल शासक महमूद गजनी से पराजित नहीं हुआ था? ऑप्शन ए धंग, बी विद्याधर, सी जय शक्ति, डी डंग। ऑप्शन बी विद्याधर। विद्याधर जो थे वो धंग के पुत्र थे। धंग जो थे वो चंडेल वंश के राजा थे। धंग बहुत सारे मंदिरों का निर्माण भी करवाए हुए थे और जैसे ही विद्याधर राजा बनते हैं तो सबसे पहले राज्यपाल की हत्या कर देते हैं। राज्यपाल की हत्या इसलिए वो करते हैं क्योंकि महमूद गजनी का वो डटकर सामना नहीं किए हुए रहते थे और सामना नहीं करने के कारण वो अपने आप को आत्मसमर्पण कर देते हैं। जो राज्यपाल था वो बिना लड़ाई किए महमूद गजनी के सामने अपने आप को आत्मसमर्पित कर दिया था, जिस कारण विद्याधर को उनको मारना पड़ा। और भारत के एकमात्र ऐसे चंडेल वंश के राजा थे जो विद्याधर थे, वो महमूद गजनी का डटकर सामना करते हैं और उन्हें मजबूर भी कर देते हैं उस जगह को छोड़कर जाने के लिए। आखिरकार उन्हें
शांति समझौता भी करना पड़ता है महमूद गजनी को विद्याधर के साथ। और जो विद्याधर थे वो महमूद गजनी को बुरी तरह से प्रभावित करते हैं, जिस कारण महमूद गजनी को छोड़कर भागना पड़ता है। भारत के एकमात्र विद्याधर राजा थे जो महमूद गजनी का डटकर सामना करते हैं और बुरी तरह से उन्हें प्रभावित भी करते हैं, और उन्हें महमूद गजनी को शांति समझौता करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। लास्ट में महमूद गजनी शांति समझौता करके वापस गजनी भाग जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस। महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन थे? ऑप्शंस ए फरिश्ता, बी अलबरूनी, सी अफीम, डी इब्न बतूता। ऑप्शंस बी अलबरूनी। नेक्स्ट क्वेश्चंस। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था? ऑप्शंस ए अबुल फजल, बी अब्दुल कादिर, सी अल बरूनी, डी दारा सिको। ऑप्शन सी अल बरूनी। नेक्स्ट क्वेश्चंस। मुहम्मद गोरी का सबसे पहले किसने पराजित किया? ऑप्शंस ए भीम टू, बी पृथ्वीराज चौहान, सी जयचंद, डी पृथ्वीराज द्वितीय। ऑप्शंस बी पृथ्वीराज चौहान। मुहम्मद गोरी को पहली बार पृथ्वीराज चौहान ने पराजित किया।